क्लास फोर टुडे वी विल अंडरस्टैंड मैथ रिवीजन वर्क फिल इन द ब्लैंक्स. आज हम फिल करेंगे. फर्स्ट है अ ब्रिक हैज डैश नंबर ऑफ फेसेस. तो ब्रिक यानी कि ईंट के कितने फेजेस होते हैं? ईंट के 6 फेजेस होते हैं. सेकंड देखेंगे ईच फेज ऑफ अ ब्रिक इज डैश इन शेप. तो ब्रिक का यानी कि ईंट का जो शेप फेस होता है वो कौन से शेप में होता है? तो आप जब उसकी हर एक शेप वो फेजेस को देखोगे हर एक फेज को तो वो कौन सी उसमें होती है? वो रेक्टेंगल शेप में होती है. तो इसमें फिल करेंगे रेक्टेंगल. थर्ड देखेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज. तो जो बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ होती है क्या होती है? सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर फिल करेंगे इसमें. फोर्थ है 1 किलोमीटर इक्वल टू डैश मीटर. तो जो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं? 1000. 1 किलोमीटर है 1000 मीटर होते हैं. तो इसमें 1000 फिल करेंगे. फिफ्थ देखेंगे द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज. तो सबसे बड़ी जो यूनिट होती है लेंथ की वो क्या होती है? किलोमीटर. तो आप इसमें किलोमीटर फिल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये अपनी नोटबुक में करेंगे आप. थैंक यू.